नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है अभी अभी कि रेलवे ने स्टेज वन के जो रिज़ल्ट थे वो कैंसिल कर दिए हैं। वे फिर से रिज़ल्ट देंगे। और इसके अलावा एक और खबर आ रही है कि जो डेट थी स्टेज टू की वो आगे बढ़ चुकी है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था स्टेज वन पे, कुछ नंबर से वे रह गए थे। तो उसके लिए उनके लिए वो बहुत ये न्यूज़ बहुत फ़ायदेमंद है। हो सकता है उनका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए पूरी न्यूज़ देखता है। ये नोटिफिकेशन अभी अभी जारी किया है, ये नोटिफिकेशन जारी किया है 12 तारीख को। 12 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। RRB रांची की साइट से डाउनलोड किया गया है नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है पूरा। तो मैं आपको ये पूरा नोटिफिकेशन समझाऊंगा, आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि क्यों ये कैंसिल किया गया, एग्ज़ाम डेट क्यों बढ़ी है, अब क्या होगा आगे, ये पूरा मैं समझाने वाला हूँ। लेकिन आप पूरा वीडियो ये आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आपको सभी इन्फॉर्मेशन, परीक्षा संबंधित सभी जानकारी, सभी परीक्षाओं संबंधित, RPF, ग्रुप D, ALP, अन्य सभी परीक्षाओं संबंधी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये नोटिफिकेशन जो आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। अब ये जो नोटिफिकेशन नंबर है ये CAN 01/2018 ALPN टेक्नीशियन पोस्ट, जो अपना नोटिफिकेशन का नंबर था वो ये वाला था। जी हाँ दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑन प्रोविजन शॉर्टलिस्ट एंड एग्जाम डेट फॉर द सेकेंड स्टेज CBT। सेकेंड स्टेज की एग्जाम CBT जो एग्जाम है सेकेंड स्टेज की, उसकी एग्जाम डेट यहाँ पर बढ़ाई गई है। और दूसरी चीज़ क्या है कि कुछ चेंजेस किए गए हैं रिजल्ट में, रिजल्ट फिर से अपडेट होकर आएगा। तो हम ये पूरा नोटिफिकेशन देखते हैं। यहाँ पर लिया गया सबसे पहले हम पहला पैराग्राफ देखते हैं, समझते हैं क्या कहना चाह रहा है ये हमारा पहला पैराग्राफ। द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CBT विद द लिस्ट ऑफ प्रोविजनल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर अपेयरिंग इन सेकेंड स्टेज CBT हैव बीन पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ऑल RRB ऑन 02/11/2018। इन्होंने बताया है कि हमने 2 तारीख को सभी RRBs की वेबसाइट पे हमने फर्स्ट स्टेज CBT का रिजल्ट ऑलरेडी घोषित कर दिया है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी RRB हैव ऑल्सो प्रोवाइड अ फैसिलिटी टू कैंडिडेट फॉर रिव्यूइंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर अलॉन्ग विद द आंसर की। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए इन्होंने क्या करा है, क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर की भी दी है, जिससे कि आप अपना पेपर चेक कर पाएँ, आपने क्या ऑप्शन लगाया था आप वो चेक कर पाएँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि आपने जो आंसर लगाए थे और आपको एक आंसर की दी गई, आप उसे क्रॉस चेक कर पाएँ कि आपके नंबर जितने आए वो सही हैं कि नहीं है। अब हम सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं दोस्तों उसका। अब जो इसका सेकंड पैराग्राफ है वो बोल रहा है कि RRB है रिसीव्ड अ सर्टेन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कैंडिडेट रेजिंग इश्यू ऑन आंसर की एंड द ट्रांसलेशन इन फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस। इन रिस्पांस RRB है डिसाइडेड टू एग्जामिन ऑल सच इश्यूज अफ्रेश। अब कुछ यहाँ पर इश्यूज आए हैं क्वेश्चंस में, कैंडिडेट्स ने बताया है कि ये आंसर सही है ये गलत है, कुछ आंसर की में कुछ मिस्टेक्स थी, तो ये कुछ इशू रेज किए गए हैं RRB के सामने। तो RRB ने इसमें कुछ देखते हुए ये जो फर्स्ट स्टेज के जो रिजल्ट आए थे ये उन्होंने फिर से दोबारा इनको फर्स्ट स्टेज के रिजल्ट वो वापस से इशू करेंगे। तो यहाँ पर ये सेकंड पैराग्राफ में आपको ये बताया है, ठीक है दोस्तों। तीसरा जो हमारा पैराग्राफ है वो आफ्टर दिस रिव्यू फाइनल की अलोंग विद द रिवाइज्ड स्कोर विल बी पब्लिश अगेन। जी दोस्तों, ये मुख्य बात है, ये यहाँ पर ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन कह रही है आपकी कि RRB ने उसके बाद देखा, रिव्यू करा, उसके बाद उनको लगा कि फर्स्ट स्टेज की जो रिजल्ट है उनमें कुछ मिस्टेक हुई है, तो वो फिर से आपके रिज़ल्ट जारी करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ था, हो सकता है कि उन स्टूडेंट का वापस से सिलेक्शन हो जाए, तो आप ज़रूर एक बार रिज़ल्ट चेक कीजिएगा। अगला इन्होंने अगली लाइन लिखी है, द रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी आल्सो पब्लिश ऑन द वेबसाइट। अब जो रिवाइज्ड लिस्ट आएगी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की, वो वेबसाइट पर भी पब्लिश की जाएगी। तो चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं हम इसी को तारतम्य में। RRB है आल्सो रिसीव्ड रिप्रेजेंट रिक्वेस्टिंग पोस्टपोन ऑन द सेकेंड स्टेज CBT। ये पैराग्राफ कह रहा है कि RRB को बहुत सारी रिक्वेस्ट मिली थी कि आपकी जो सेकेंड स्टेज की एग्ज़ाम है वो 12 दिसंबर को जो थी वो उसको पोस्टपोन करने के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट प्राप्त हुई थी, तो इसी के चलते उन्होंने ये एग्ज़ाम अब पोस्टपोन करके 24 दिसंबर को कर दी है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था दूसरी एग्ज़ाम से, तो लोगों ने जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको एग्ज़ाम को बढ़ाइए, तो उन्होंने ये एग्ज़ाम को 12 दिन आगे बढ़ा दिया है। पहले 24 दिसंबर को थी, अब ये सॉरी पहले 12 दिसंबर को थी, अब ये 24 दिसंबर को हो जाएगी। अगला पैराग्राफ देखते हैं हम, ये अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है। RRB रीइटरेट दैट दे वैल्यू द इनपुट्स फीडबैक फ्रॉम द कैंडिडेट एंड रिस्पॉन्ड डायनेमिकली ऑफ टू ऑल सच इनपुट्स।
आरआरबी ने सारे इनपुट्स लिए हैं और डायनेमिकली उनको रिस्पॉन्स कर रहा है सब स्टूडेंट्स को। यहाँ पर ये बताया है इन्होंने, इसका एग्जाम्पल ये है कि ये नोटिफिकेशन भी उसी का एग्जाम्पल है। लास्ट वाले पैराग्राफ में ये बोल रहे हैं कि आरआरबी रिक्वेस्ट ऑल कैंडिडेट टू फॉलो ओनली द इंफॉर्मेशन अपडेट प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द आरआरबी एंड डू नॉट फॉल प्रे टू एनी फॉल्स ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन। या दोस्तों, ये हमने जो नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है आरआरबी रांची की वेबसाइट से किया है, उन्होंने ये नोटिफिकेशन अपलोड किया था, हमने पूरा ऑफिशियल है नोटिफिकेशन। और उन्होंने इस नोटिफिकेशन के माध्यम से एक और चीज़ बताई कि आपको किसी भी अफवाह पर ध्यान न देना है। कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आता है दूसरी चीज़ से रिलेटेड, गलत इन्फॉर्मेशन आती है, आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। ये एकदम पूरा ऑथेंटिकेट नोटिफिकेशन है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा है यहाँ पे कि जो दूसरी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन डालते हैं वो गलत होते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करें और उन्हीं पे भरोसा करें। मैं इसका एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है डेट 12/11/2018, मतलब 12 नवंबर 2018 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, चेयरपर्सन आरआरबी रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो जी हाँ दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हमें दो चीज़ क्लियर हो गई है। पहली चीज़ तो ये क्लियर हुई है कि आरआरबी स्टेज वन, जो आरआरबी स्टेज वन जो हमारी एग्ज़ाम हुई थी उसके जो रिजल्ट आए थे उनको कैंसिल कर दिया गया है, और ये जो रिजल्ट होंगे ये वापस से जारी किए जाएंगे, वापस से लिस्ट जारी की जाएगी स्टूडेंट्स की, जो लोग इसमें सिलेक्ट हुए हैं। तो हो सकता है कि उन स्टूडेंट को फ़ायदा मिल जाए जिनका नाम अभी एग्जाम अभी इस वाले रिजल्ट में नहीं आया, तो हो सकता है उनका नाम आ जाए अगली लिस्ट में। और दूसरी चीज़ एक और इसमें क्लियर की है उन्होंने कि जो एग्ज़ाम पहले 12 दिसंबर को होने वाला था, 12 दिसंबर को स्टेज टू का जो एग्ज़ाम होने वाला था, अब वो 24 दिसंबर को होगा। यह दोस्तों जो वो इन्होंने 12 दिन आगे भी बढ़ा दिया है वो एग्ज़ाम। तो यहाँ पर दो फायदे हुए हैं स्टूडेंट को, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें और पूरा विश्वास रखें, हो सकता है आपका नाम आ जाए। और जी दोस्तों, और आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आपको सभी इन्फॉर्मेशन, सभी ऐसी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।